चलो ये कहता है कि एक सर्टेन, देखो क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन काफी अच्छा मतलब है क्योंकि इसमें कुछ डाउट आता है बच्चों को, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर को सिलेक्टेड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप को मिलके हमने बड़ा ड्रॉप बनाया यार, जिसकी रेडियस आर है, वॉल्यूम भी है, सिटी सरफेस टेंशन है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी कि ऑब्जॉर्व होगी, ठीक है। अब आप अगर थ्योरी जहाँ भी पढ़ाई किए होगे तो आपको ये तो बात जरूर पढ़ाया गया होगा कि अगर छोटे छोटे ड्रॉप हैं और ये अगर मिले तो एक बड़ा ड्रॉप बनता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस ड्रॉप का, ठीक है। इस ड्रॉप का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसके उल्टा अगर बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूटता है और वर्क डन जीरो है, जो भी तोड़ रहा है उसका वर्क डन जीरो है, तो सरफेस एरिया तो घट जाती है, एनर्जी घट जाती है मतलब ऑब्जॉर्व होती है, टेम्परेचर घट जाता है। ये तो हमारा रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर छोटे छोटे मिलके बड़े हुए तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता। 50-50 सक्सेस के चांस हमें बढ़ गए, 50% हम सक्सेस हो गए, 50% बचा हमें सक्सेस होने में। अब 50% को हम कंफर्म करने के लिए मुझे निकालना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास आइडिया ही नहीं है। तो जो एनर्जी सरफेस एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी का फार्मूला है सरफेस टेंशन चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस टेंशन चेंज इन सरफेस एरिया, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, ठीक है, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। अब यहाँ पर एक्चुअली एरिया फाइनल कम हो गया है तो एरिया इनिशियल से एरिया फाइनल में घटा देते हैं, ठीक है। एरिया इनिशियल ज़्यादा है सरफेस एरिया, एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस में रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एन, और यह आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर क्यू, है ना। इसका मतलब ये हुआ 4/3 ने 4/3 को, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों R/3। क्या कर रहा हूँ यार, बच्चों के साथ पाप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कैपिटल आर बाई स्मॉल आर डिवाइड का क्यू, दैट इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। अब मुझे एरिया निकल जाएगा, इनिशियली एरिया ज़्यादा था तो ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एक की सरफेस एरिया हुआ, और एन है तो एन की सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर क्यू और स्मॉल आर क्यू, तो कुल मिला के काट कुट लो, तो काट कुटने के बाद 4 पाई अपॉन आर और दैट इज कैपिटल आर क्यू। लेकिन हमें जो एरिया है सरफेस एरिया जो सोल्यूशन है, यहाँ ध्यान से देखो तो वॉल्यूम के टर्म में है, तो मैं एरिया वॉल्यूम के टर्म में ही लिख लेता हूँ, एरिया को मैं यहीं पे वॉल्यूम के टर्म में लिख लूँ। तो वॉल्यूम के टर्म में लिखने के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू। बड़े वाले के वॉल्यूम के टर्म में लिख देते हैं बड़े, तो 4/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/4/3 पाई आर क्यू मतलब 4/3 कैपिटल V/r, दैट इज इनिशियल एरिया कैपिटल वी के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अब एरिया फाइनल जो आ जाएगा, एरिया फाइनल वो आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई कैपिटल R की पावर क्यू और एक R से मल्टीप्लाई किए और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 4/3 पाई R क्यू, ये भी वॉल्यूम के टर्म में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा वॉल्यूम के टर्म में। अरे भाई कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4/3 एक ही 3 से मल्टीप्लाई ना, ये आ जाएगा 3 कैपिटल V/r, दैट इज द एरिया फाइनल इन टर्म ऑफ
वॉल्यूम, तो एरिया फाइनल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये है और एरिया फाइनल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम है, इसमें सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एनर्जी रिलीज आएगा। तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, तो सरफेस टेंशन और इनिशियल एरिया 3V अपन कैपिटल स्मॉल आर माइनस 3V अपन कैपिटल आर, इसका मतलब ये हुआ 3VT इज इक्वल टू 1 अपन स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, ये दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन 3VT स्मॉल आर कैपिटल आर। अरे है भी कोई 3VT कैपिटल आर, हाँ मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी ये तो क्लियर।